दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। विधानसभा चुनाव का बहुत जल्दी आगाज होने वाला है और आप कहें अगर तो लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ ही वैसे तो विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोकदल हो, तमाम जो भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से हरियाणा की राज सत्ता पर और देश की राज सत्ता पर काबिज है। 2014, 2019 और लगातार तीसरी बार 2024 मोदी की हैट्रिक तो हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में तो हैट्रिक हो गई, लेकिन बात अब हरियाणा की आएगी। 2014 में मनोहर लाल के नेतृत्व में, हालांकि चुनाव में नेतृत्व तो मनोहर लाल का नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने, इसलिए हम उसको नेतृत्व कह रहे हैं। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। 2019 में मनोहर लाल के नेतृत्व में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार अल्पमत की हुई। 45-46 सीटें जो विधानसभा चुनाव में चाहिए होती हैं, वो 46 का लक्ष्य पूरा बीजेपी नहीं कर पाई और उसको 40 सीटों पर ब्रेक लग गया। गठबंधन के साथ ही पहले जननायक जनता पार्टी और अब इंडिपेंडेंट के सहारे सरकार तो चल रही है, लेकिन मनोहर पार्ट टू की जो सरकार थी उसका समय पूरा नहीं हुआ, बीच में चेहरा बदल गया और ड्राइवर बन गए नायब सिंह सैनी, यानी कि सरकार के चालक। अब 2024 की तैयारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी हैट्रिक बनाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करने होंगे। विभिन्न एंगल्स पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रणनीति बनानी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि लगातार दो चुनाव, यानी कि 2014 में जहां बीजेपी के 7 सांसद थे, 2019 में 10 के 10 सांसद बीजेपी के आ गए, और अब जबकि 2024 का चुनाव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी तो हरियाणा में उसके 10 में से 5 सांसद हैं। अगर इसी के साथ जोड़ के चलें सेंटर को, तो 2014 और 2019 में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की पूर्ण बहुमत की अकेले दम की सरकार थी, अब की बार मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं बैसाखियों पर टिकी है। कमजोरी तो सेंटर में भी है, लेकिन अगर हरियाणा को लेकर के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हैट्रिक बनानी हो तो उसके लिए बीजेपी को कई प्रकार की बातें देखनी होंगी, कई प्रकार की रणनीति बनानी होंगी, अपनी राजनीतिक अपनी पार्टी के अंदर जो उनके नेता हैं उन पर भी नज़र रखनी होगी, कौन क्या कर रहे हैं, कहीं कोई रूस तो नहीं रहा, अगर कोई रूठ रहा है तो उसको मनाया कैसे जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गिने चुने अगर नेता आप देखें तो उनमें से भी अगर कांग्रेस की हम बात गुटबाजी की करते हैं तो कमी भाजपा में भी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप गुटबाजी कुछ यूं मान लें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा के कई नेताओं ने भीतरघात की शिकायतें की। भीतरघात की शिकायत करने वालों में हिसार के कैंडिडेट रंजीत चौटाला भी थे, सिरसा के कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर भी थे, सोनीपत के कैंडिडेट मोहनलाल बड़ौली भी थे, राव इंद्रजीत भी मान सकते हैं आप कि उनके साथ भी भीतरघात की बात वो भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल के साथ भी जो करनाल संसदीय क्षेत्र में भी इस प्रकार की बातें सामने आई थी, लेकिन चुनाव परिणाम जो हुआ वो सब आपके सामने है। 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हो गया। अब जो बात अगर भीतरघात की आएगी और या फिर ये आएगी कि पार्टी के अंदर रूठे हुए नेता कितने प्रभावी हो सकते हैं और कितना पार्टी को नुकसान कर सकते हैं, मैं आपसे आज बात करूंगा दो प्रमुख चेहरों की, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दो नेता कि जिनके सुर इस समय कुछ बदले नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद जिनके सुर कुछ बदले हुए हैं, और अगर उनके सुर बदले रहे तो फिर चुनाव में कहीं वो किसी प्रकार की दिक्कत खड़ी ना कर दें। दरअसल बात सारी इसलिए कि दोनों नेता एक अहिरवाल से संबंधित हैं तो दूसरे भिवानी और अहिरवाल को साथ जोड़ते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं चौधरी धर्मवीर और राव इंद्रजीत सिंह की। सबसे पहले बात चौधरी धर्मवीर की ही कर लें। चौधरी धर्मवीर ने लोकसभा चुनाव के बाद इशारों इशारों में तो कहा कि पार्टी में उनके साथ भीतरघात हुई,
लेकिन चौधरी धर्मवीर एकमात्र ऐसे सांसद, एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो पूरी तरह से डिपेंड होकर चलते हैं या साथी बनकर चलते हैं राव इंद्रजीत का। चौधरी धर्मवीर अभी हाल ही में बड़े खफा खफा से हैं। नाराजगी उनकी कुछ यूं है कि एक तो उनको लगता था कि वो सेंटर गवर्नमेंट के अंदर, केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जिसके अंदर की जाट गैर जाट की राजनीति माने या आप उसे कुछ भी समझ लें, तीसरी बार सांसद बनने के बावजूद भी चौधरी धर्मवीर का नंबर नहीं लगा। खिन्न तो वो इसी बात से थे, नाराजगी तो उनकी इसी बात को लेकर थी। और उस पर एक पुरानी कहावत है, करेला और उस पर नीम चढ़ा, तो करेले पर नीम यूं चढ़ गया कि अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में ले आई गई। किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और उनकी बेटी को। और अगर आप माने तो चौधरी धर्मवीर की राजनीति, भले ये दोनों अलग अलग पार्टियों में रह करके राजनीतिक गॉसिप हुआ करती हैं, पॉलिटिकल गॉसिप कई बार रही कि धर्मवीर और किरण चौधरी की मांडवाली हो जाती है दूसरी पार्टियों में रह करके। कांग्रेस में किरण चौधरी रहीं और धर्मवीर बीजेपी में रहे, लेकिन जब दोनों ही पार्टियों में, एक ही पार्टी में हुए तो फिर इनमें विवाद और टकराव रहता है। आप ध्यान करें तो एक ही राजनीतिक दल में थे कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी और चौधरी धर्मवीर। टकराव ये हुआ कि 2014 के चुनाव से पहले धर्मवीर कांग्रेस छोड़ करके आ गए, क्योंकि उनको विधायक बनने के लिए अपना गृह जिला भिवानी छोड़ना पड़ गया था उस समय। तो शाम पर पूरी पक्की दावेदारी हो गई थी किरण चौधरी की, और 2009 का विधानसभा चुनाव चौधरी धर्मवीर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से लड़ने आना पड़ गया था सोना में। हालांकि चुनाव तो वो जीत गए थे, लेकिन नाराजगी बड़ी हो गई थी। और अब जब दोनों भारतीय जनता पार्टी में एक साथ हो गए तो फिर नाराजगी वही है। चौधरी धर्मवीर कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से तो मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, नाराज हैं इस बात से। बड़ी नाराजगी यूं जाहिर कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति आगे नहीं करूंगा। और तीसरी प्रमुख बात, राव इंद्रजीत सिंह को केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक ना मिलने से भी नाराज हैं चौधरी धर्मवीर, और लगातार कह रहे हैं कि ये बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे, और ये राव इंद्रजीत सिंह के कद की अवहेलना है। बहुत बड़ी बातें हैं। भिवानी और महेंद्रगढ़ और तीसरा जिला आता है चरखी दादरी। इन जिलों की 9 विधानसभा सीट आती हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर। महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर चुनाव जीत गए धर्मवीर जी, और धर्मवीर को चारों में चुनाव जिताने के पीछे वो मानते हैं कि राव इंद्रजीत का बड़ा सहयोग रहा। और अगर आगे बात करें तो फिर भिवानी जिले की और चरखी दादरी जिले की भी 3 विधानसभा सीटें जीत गए चौधरी धर्मवीर, 7 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। कद्दावर नेता हैं, असरदार नेता हैं, 3 बार के लगातार सांसद हैं, और किरण चौधरी के आने से वो नाराज हैं। नाराजगी उनकी एक मंत्री ना बनने को भी लेकर के है, और तीसरी नाराजगी उनकी जो उनके राजनीतिक, आप उनको गार्जियन कह सकते हैं, मैं गुरु तो नहीं कहूँगा, पॉलिटिकल गार्जियन हैं उनके राव इंद्रजीत सिंह, और राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट रैंक ना मिलने से भी नाराज हैं। चौधरी धर्मवीर सोचते हैं कि अगर उनको मंत्री नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अगर इंद्रजीत कैबिनेट रैंक मिलती तो फिर वो भरपाई कर लेते। अगर धर्मवीर की नाराजगी यही रही तो फिर ये लोकसभा चुनाव वाली जो नाराजगी शुरू हुई है वो विधानसभा चुनाव आते आते बड़ी हो जाएगी, और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और अगर अगली बात करूं तो मैं बात करूंगा राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद हैं। अब की बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको सेंटर में कैबिनेट रैंक मिल सकती है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार तक ही सीमित रह गए। मंत्री पद का दायित्व भी ले लिया, मंत्री पद भी संभाल लिया, बैठक भी कर ली, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी कई हिस्सों में सामने आती है। आप इसे कुछ यूं मान करके चलें कि अभी 23 तारीख को रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ा आयोजन हुआ। उस कार्यक्रम के अंदर भाजपा के जो हरियाणा चुनाव प्रभारी बने हैं, केंद्र सरकार के बड़े मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो भी थे, विप्लव कुमार देव भी थे, मनोहर लाल भी थे, नायब सिंह सैनी भी थे, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भी थे, हरियाणा की सारी सरकार थी, सारी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन नहीं थे तो राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे। राव इंद्रजीत सिंह की अदावत तो हमेशा रहती है, लेकिन अगले चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है इसके अंदर राव इंद्रजीत की अदावत और ज़्यादा बढ़ेगी।
और आप मान करके चलें कि अगर राव इंद्रजीत सिंह की कहीं नाराजगी रह गई तो फिर चाहे वो जिला गुड़गांव हो, चाहे जिला रेवाड़ी हो, चाहे जिला महेंद्रगढ़ हो, यानी कि तमाम दक्षिण हरियाणा, तमाम अहिरवाल के अंदर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी क्यों हो सकती है? आप राव इंद्रजीत सिंह के लोकसभा चुनाव के दौरान के कुछ भाषण सुनिए। राव इंद्रजीत सिंह उस समय कहा करते थे, भले ही वो बड़े नेता हैं, सामने तो ना कहें, लेकिन उनकी बातों में जरूर आता था कि भाजपा के नेता उनकी मुखालफत कर रहे हैं। ये उनका अंदाजे बयां होता था जिसमें ये बता जाते थे बातों को। दूसरी बात ये हुई कि चौधरी धर्मवीर के नामांकन से लेकर के और उनकी चुनावी सभाओं तक में उनकी नाराजगी कई बार सामने आई। और अब एक बड़ी बात आपको दोस्तों और बता दें, दोनों नेताओं को लेकर के, चौधरी धर्मवीर और राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के, दोनों कांग्रेस से आए थे 2014 के चुनाव से ठीक पहले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन बनती दोनों की ठीक है। आप इसका अनुमान कुछ यूं लगा लें कि चुनाव प्रचार करने गए थे डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए, नितिन गडकरी आए हुए थे रोहतक लोकसभा में, राव इंद्रजीत सिंह भी गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए, और राव इंद्रजीत सिंह ने वहाँ जा कर के ये कहा कि जाने क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी अकेले दीपेंद्र हुड्डा के पीछे पड़ी हुई है। ये इशारे इशारे में उन्होंने बात कही, और साथ ये भी कहा कि नितिन गडकरी जी से उनकी दोस्ती है इसलिए आए हैं, नहीं तो शायद आते भी ना। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे हैं, सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने, यानी कि जो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं वो मान लिया भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा ने दोनों नेताओं की, चौधरी धर्मवीर की भी और राव इंद्रजीत सिंह की भी तारीफ भी की है। ये भी कहा है कि ये दोनों सांसद, दोनों नेता बड़े नेता हैं, पार्टी कोई भी हो, इनका दोनों का वो बहुत अधिक सम्मान करते हैं। अब राजनीति के अंदर दोस्तों हर बात के संदेश होते हैं, जो बात कही जाती है उस हर बात का कोई ना कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई बात कही नहीं जाती। इन सब के लिहाज से आप अगर मान करके चलें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर, अगर इनकी कहीं अनदेखी हुई तो ये विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई आंतरिक गुटबाजी है? आपको क्या लगता है कि चौधरी धर्मवीर ने जो बयान दिया किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद, उसके सियासी मायने क्या हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी और जो भाजपा का प्रदेश संगठन है उसके साथ विधानसभा चुनाव में कितना तालमेल करके चलते दिखेंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।